अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मीरम दाबास और आप देख रहे हैं लाइट टॉक्स। नाज़रीन, अभी इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के बड़ी मशहूर दरगाह हज़रत सखी माधुलाल हुसैन की दरगाह पे मौजूद हैं, जहाँ पे इनका सालाना जो उर्स है उसकी तकरीबात जो है वो ज़ोरों शोर के साथ वो जारी और सारी हैं। जो नाज़रीन है पूरे पाकिस्तान से अकीदत के साथ यहाँ पर आते हैं और आके अपनी जो अकीदत है उसको यहाँ पे पेश करते हैं। जी, तो जैसा कि हम इस दरबार के मरकजी हॉल के अंदर जैसे मौजूद हैं तो देखा जा रहा है कि इधर जो अकीदतमंद हैं वो अपने रंग के अंदर धमाल डाल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि इधर कैसे कैसे मलंग जो हैं वो आए हैं यहाँ पे आकर वो धमाल डाल रहे हैं अपने अपने रंग के अंदर। जैसे ही हम इस दरबार के अहाते में आए हैं और मरकजी जब इसके मरकज में हम पहुंचे हैं तो हमें देखने को मिला है, जैसे कि आप मेरी बैक साइड पे देख भी सकते हैं, कि यहाँ पे लोग चरागा का जो सिलसिला है वो जला रहे हैं, चलाग जला रहे हैं और एक गड़ा सा है उसके अंदर लोग बड़ी अकीदत के साथ आग जलाते हैं। मेरे साथ इधर शहरी भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आग जलाई जा रही है और आग के अंदर वो फेंका जा रहा है, तेल फेंकते हैं और अगरबत्ती फेंकते हैं, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? सर, ये बड़ों से चलता आ रहा है, शुरू से देखते आ रहे हैं, ऐसे चिराग पड़ रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी है कि चिराग जलाने आया हज़रत सखी माधुलाल हुसैन के दरबार। जी, तो जैसा कि यहाँ पे जो लोग अपनी मन्नतें और मुरादें लेकर आते हैं, हमने उनसे बात की कि ये जो चरागाह जलाया जाता है इसके पीछे क्या उनकी अकीदत होती है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं कि इस दरबार के अंदर जो उसका समा है उसके समा के अंदर क्या क्या होता है। नाज़रीन, इस वक्त जो दरबार के जो इंतजामिया हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर, ये दरबार जो है इसका जो उर्स है वो कितने अरसे से जो है वो सिलसिला चलता आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये उर्स मुबारक 436वां आज 436 उर्स मुबारक है और ये हर साल बड़े जोश और खरोश से मनाया जाता है और हम इधर के जद्दी रहने वाले हैं सारे जितने खड़े हैं। ये मेरा भतीजा है, ये यूसी चेयरमैन है, इनके अबू यहाँ के चेयरमैन है कमेटी के दरबार के और यहाँ पे हम सारे इंतजाम कर रहे हैं और ये महकमा औकाफ के अंडर है और उनके साथ मिलके हमने एक पूरा टीम वर्क किया है और ताकि इसको अच्छे तरीके से अरेंज कर सकें। यहाँ सुबह खत्मे पाक से आगाज किया गया और नाज शरीफ पढ़ी है, तलावत हुई है, खत्मे पाक हुआ है, उसके बाद हमने लंगर तकसीम किया है
और लंगर चलने के जो टाइमिंग है, किस किस टाइम लंगर चलता है? लंगर सुबह शाम हर टाइम है, लेकिन वो फजर के टाइम तो आपको पता है आवाम नहीं होती, फजर के टाइम नहीं है, बाकी हर टाइम लंगर जो है ना वो चेयरमैन दरबार कमेटी जो है वो अपने पास से भी कुछ देते हैं पैसे, बाकी आवाम भी करती है 24 घंटे। ये शौक और खिदमत वो कीदा समझ के हम करते हैं। तो ये 436वां उर्स है, आज मेला चढ़ागा है, सुबह से इसे इफ्तिताह हो गया हुआ है, अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह, खैर करिए से 3 दिन गुजर जाएंगे। नवाजी के साथ हमें इधर नवाजा है और हम भाई के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ हमें नवाजा है। और जो दरबार के ऊपर जितनी हिस्ट्री थी और जितने इधर के जो नाज़रीन थे और जो इधर के मेहमान थे उनसे भाई ने मिलवाया है, और जो लंगर का इंतजाम था वो भी भाई ने हमें उसके साथ जो है वो पूरा का पूरा तावन किया है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबको ये कहना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके पास कुछ स्टोरीज हैं या कुछ आप चाहते हैं कि हम आपकी किसी स्टोरी को या किसी इवेंट को कवर आगे करें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा जो ईमेल है, हमारा नंबर है वो मौजूद है, आप उससे हमारे साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपके पास भी आएँगे और मोहब्बतें जो हैं वो हम निछावर करेंगे जैसे हम पूरे पाकिस्तान के अंदर करते आ रहे हैं। अभी तो लाहौर के अंदर कवरेज कर रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम पूरे पाकिस्तान के अंदर आएंगे और आपसे भी मिलेंगे। तो अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अल्लाह निगहबान।